जो बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। इसे बनाने के लिए हमें ज्यादा सामग्री नहीं लेनी है, तो चलो बनाते हैं पनीर की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे तेल में फ्राई कर लिया है। आप बिना फ्राई करे भी पनीर को डाल सकते हैं। एक शिमला मिर्च, एक प्याज जिसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और 2 से 3 टमाटर जिसे हमने मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। आप कटे हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक छोटी कटोरी टमाटो केचप। इसे डालने से पनीर में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और मसालों में हम लेंगे जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, मिक्स मसाला, आप गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग और स्वाद अनुसार नमक। अब हम गैस में पैन या कढ़ाई रखकर उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालकर उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 1 चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से भून लें। अब इसमें प्याज डालकर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का सुनहरा भून चुका है, गैस की आंच को धीमी रखेंगे और इनमें हम मसाले डालकर इन्हें अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। टमाटर भी मसालों में अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर पैन में ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए रखेंगे। चेक करेंगे, शिमला मिर्च अच्छे से पक गई है। अब इसमें पनीर के टुकड़े और टमाटो केचप को डाल इसे मसालों में मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 1 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पनीर को फ्राई किया हुआ है। हमारी पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर लेंगे। इसे हम आप सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे। आप देख सकते हैं पनीर की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अथवा कमेंट्स कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।